नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। तो मैथ की क्लास में जो हमारा चल रहा था वो रोमन नंबर था, राइट। रोमन नंबर में हम क्या पढ़ रहे थे? तो रोमन नंबर में हमने पढ़ा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैथ की क्लास जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हम पढ़ेंगे रोमन नंबर, और रोमन नंबर पढ़ेंगे आज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर किसमें? तो आपका रोमन नंबर में, ठीक है गाइस। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि कंपटीशन में कभी भी रोमन नंबर नहीं आते हैं। तो मैं बता दूँ, रोमन नंबर आते हैं। रोमन नंबर केवल क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ वाले बच्चों में ही नहीं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 10 लाख तक के रोमन नंबर। अगर नहीं पता है तो आप मेरी क्लास जरूर देखना, मैंने रोमन नंबर का बहुत लंबा क्लास ले रखा है, एक एक चीज़ को क्लियर करवाया है। तो उस क्लास को आप देखोगे शुरू से तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लास पसंद भी आ रही होगी और बच्चे नए नए चीज़ें सीख भी रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक पहेली हो जाए, है ना, क्योंकि विदाउट पहेली क्या होती है, हमारी क्लास बिल्कुल अधूरी लगती है ना। चलो, क्लास अधूरी ना लगे इसलिए मैं आपसे क्या पूछती हूँ, एक पहेली पूछती हूँ कि पहेली है तो वो रात की रानी, है तो वे रात की रानी, ठीक है तो वे रात की रानी, आंखों से टपके पानी। बताओ क्या है वो? आंखों से टपके पानी, ठीक है तो वो रात की रानी, आंखों से टपके पानी, ठीक। तो ये है आपका पहेली, इसका आंसर मैं दूंगी क्लास के लास्ट में। तब तक आपको क्लास में मेरे साथ बने रहना है और रोमन नंबर में असेंडिंग ऑर्डर सीखना है, ठीक है, ठीक है। पहेली समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी, ठीक। अब इसका आंसर कब बताऊंगी? क्लास के लास्ट में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर देखो जैसे कि आपके सामने है, ये आपके सामने रोमन नंबर दिया है, अब इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखने से पहले ये जान लें कि असेंडिंग ऑर्डर माने होता क्या है। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब भी प्रेयर के लिए लाइन लगती है तो जो सबसे छोटा बच्चा जो कद के हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? लाइन बनता है, राइट। सबसे छोटा जो होता है पहले उसे बैठाया जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस टाइप से होता है। तो वही काम इसमें भी करना है। सबसे पहले जो भी रोमन नंबर दे रखा है ऐसे मत लिखना, सबसे पहले ये देख लो कि रोमन नंबर जो लिखा है वो कौन कौन से नंबर का है। जैसे ये एक्स माने होता है 10, आई एक्स माने होता है 9, इसका है 12, इसका है 19 और इसका है 21, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा कौन है? 9, यानी आई एक्स। इससे बड़ा कौन सा है? तो एक्स है, यानी 10 है। इससे बड़ा कौन है? 12 है। इससे बड़ा कौन है? एक्स आई एक्स है। फिर इसके बाद कौन है? डबल एक्स आई है। क्लियर हो गया? ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। और देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका एल एक्स एल, ठीक है, फिर है एक्स एल वी, फिर है आपका ठीक है। अब ये दे रखा है तो गाइस इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे का एक रोमन नंबर मैं आपका सेंडिंग ऑर्डर और करवाती हूँ, वो रहेगा 500 तक का, ठीक है। जैसे अब इसे देखो, मान लो एक रोमन नंबर दिया मैंने आपको, डी है, सी डी है, सी डी वी है, फिर डी वी है, फिर आपका है डबल सी और ट्रिपल एक्स, ठीक है। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। और लिखते हैं, डी का क्या है? 500, इसका क्या है? 400 यानी 400, इसका क्या है? तो 405, डी वी का क्या है? 600, और इसका क्या है? 230, क्लियर है।
अच्छा, इतना तो चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, अब इसका क्या लिखना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा सबसे कौन है सबसे पहले वो लिखेंगे, और फिर इसका क्या लिखेंगे? बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? गिनती गिनोगे तो सबसे छोटा मिलेगा आपको 230, है ना? तो इसका हो जाएगा डबल सी और ट्रिपल एक्स, यानी ये चीज़ क्लियर हो गया। इसे कट कर दो। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा है 400, यानी आपका आ जाएगा सी डी। क्लियर है? इस ये भी क्लियर हो गया। अब कौन है 400 से? 400 से बड़ा 405, ये भी क्लियर हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 500, 500 का डी हो गया, और ये डी वी इसका हो गया, डी वी है ना 500, 605। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, है ना? तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? बात की जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की तो, ठीक है, अगर बात की जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो जैसे आरोही क्रम का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का ठीक अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटे तक ले जाते हैं। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो हो सबसे पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी इस क्रम में चलेगा। ठीक, जैसे कि आप जो देख लो, मैं मान लो लिखा हुआ है डी सी, डी डबल सी, फिर दिया है सी डी, फिर दिया है डी एल, फिर दिया है सी 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 एल। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा? ठीक, अब देख लो, ये डी सी है, यानी ये 600 का है, ये किसका है? तो ये 700 का है। ठीक है, फिर क्या है? ये 400 का है। डी एल किसका होता है? 550 का होता है, और ये किसका होता है? 350 का। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपका रोमन नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, किसका देखेंगे? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको पता है सबसे बड़ा होता है 700, 700 का क्या होता है? डी और डबल सी। तो यहाँ लिखेंगे डी डबल सी, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? 600, यानी डी सी। ठीक, इसके बाद क्या होगा? डी एल, यानी 550। क्लियर है? फिर इस ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अब 400 बड़ा है कि 300? इसमें बड़ा है आपका 400, यानी सी डी, और सबसे छोटा कौन है? ट्रिपल सी एल। आया समझ में? ये क्या है? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है ये? तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। और भी क्वेश्चन देखो, इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करनी है, राइट? अब देखो, अब देखो इसे करते हैं, इसे एक्स एल एक्स, एल एक्स किसका होता है? 40 का। ये किसका होता है? 60 का। डबल सी होता है 200 का, एक्स सी होता है 90 का, और ये होता है 400 का। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा है 400, यानी 400। 400 का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सॉरी, रोमन नंबर क्या होता है? सी डी। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे सी डी, यानी सी डी वाला क्लियर हो गया। इससे इससे थोड़ा छोटे में आ जाओ तो 200, यानी डबल सी, ये भी क्लियर हो गया। अब इससे छोटा कौन है? 90, यानी एक्स सी। अब इससे छोटा कौन सा है? तो 60, यानी एल एक्स, और सबसे छोटा कौन है? एक्स एल। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में? तो आपका रोमन नंबर में, ये किसी और चीज़ में नहीं है, बल्कि आपका रोमन नंबर में है। अब एक क्वेश्चन और देखो। अब फिर इसके बाद केवल एक दिन की क्लास और है रोमन नंबर की, जिसमें मैं आपको इस सब का क्या बताऊंगी? निचोड़ बताऊंगी। निचोड़ का मतलब है जितने भी ट्रिक होते हैं किसमें? रोमन नंबर के, यानी पूरी क्लास का जो निचोड़ है, पूरी क्लास का जो रूल्स रेगुलेशन है, वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है, आपको पसंद भी आएगा, और आप नई नई चीज़ें सीखोगे। आप ये कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी कब? कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी, स्टार्ट करूंगी नंबर। नंबर मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं?
होल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं अब मैं वो कराना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कहाँ हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाऊँगी, यानी चीज़ें जो है छोटे 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 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, और हमें क्या करना है धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आपका डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आ जाओ देखो एक क्वेश्चन और देखो। जैसे मैंने दिया एम डी डी सी सी एम डबल एम डबल ट्रिपल सी, अब इसका करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे क्या नंबर एम डी, यानी 1500। क्लियर है ना, 1500 इसका हो जाएगा 600, इसका हो जाएगा 900, इसका हो जाएगा 2000 और इसका हो जाएगा 300। क्या करना है हमें, हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 2000 है, यानी डबल एम स्टार्ट करेंगे डबल एम से। इसके बाद कौन है छोटा, कोई और भी एम है, हाँ जी एक और एम है, तो पहले इसे फाइनल करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इन तीनों में कौन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 900 यानी सी एम, क्लियर है। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है 600 यानी डी सी, और सबसे छोटा कौन सा है जो ट्रिपल सी। तो ये क्या है, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर होगी क्लास, आपको अच्छी भी लग रही होगी। अब हम चलेंगे कहाँ, तो अब हम चलेंगे अपने पहेली की तरफ। पहेली की तरफ मतलब जो मैंने आपको इस क्लास में पहेली पूछी है। क्या पूछी है मैंने, मैंने पूछा है कि है तो वो रात की रानी आंखों से टपके पानी। ठीक है, रात की रानी है, रात में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, दिन में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ वैसे कभी यूज़ कर लो दिन में तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर उसका यूज, लेकिन जो अक्सर जो इसका यूज होता है वो रात में ही होता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखो कौन सा है। तो जो पहेली है मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है, जो भी पहेली है, पहेली का जो आंसर है, ठीक, जो आंसर है वो है मोमबत्ती, है ना। मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती रात की रानी है ना, रात में ही इसका यूज़ किया जाता है। दिन में कोई यूज़ करता है क्या, क्या दिन में कभी कोई मोमबत्ती जलाता है, बिल्कुल नहीं, रात में जलाता है। दूसरी चीज़, ये जब भी जलाओगे ना तो देखोगे साइड से ये क्या टपकता है, यानी आँखों से टपके पानी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास मेरी बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लग रही होगी, है ना, क्योंकि मैं क्लास को बोरिंग नहीं होने देती हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कमेंट करना मत भूलना, क्लास को लाइक करना, एक थम्सअप चाहिए मुझे, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी विथ ट्रैक के साथ, यानी कि ट्रिक जो होता है, ट्रिक हम सीखेंगे कल की क्लास में, तो कल की क्लास भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।